Hello everyone, welcome to the Commerce House once again with a new topic and new concept. चलिए दोस्तों, तो हम आपका फिर से स्वागत करते हुए एक बार लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने क्या किया था उसको देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आपने लेक्चर 1 और 2 में बेसिकली कुछ किया नहीं था, एक काम किया है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंजेज जो हुए हैं उसका एडजस्टमेंट एंड उसमें एग्जांपल आपने किया हुआ है। क्लियर है? अब चेंज इन पीएसआर हो रहा है हमारे पास, हमको कौन कौन से काम करने थे एक बार फटाफट रिमाइंड मारते। एक तो एडजस्टमेंट करना है आपको पीएसआर का, सेकेंड हमने डिस्कस किया हुआ था गुडविल का, थर्ड हमको करना है प्रॉफिट का, तो पीछे का प्रॉफिट है और रिजर्व है, चौथा हमको करना है एसेट्स एंड लायबिलिटी का, एसेट्स लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ जो भी उसमें चेंजेज हो रहे हैं, वैल्यू में चेंज हो रहा है, एंड फिफ्थ इज कैपिटल का। तो हमने इस टॉपिक को ऑलमोस्ट कर चुका है 2 लेक्चर लगा के। आज हमको जो डिस्कस करना है गुडविल के बारे में करना है। क्लियर? तो गुडविल के बारे में हमको डिस्कस करने से पहले हमको 2-3 चीज बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज है कि ये गुडविल होता क्या है, दूसरा इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। अगर हम बात करें गुडविल के केस में तो हमारे पास निकल के आ रहा है, एक तो आएगा गुडविल व्हाट इज, ये है क्या, सेकेंड इसका वैल्यू कितना होगा, सेकेंड इज वैल्यू कैसे निकालोगे आप, फिर थर्ड इज इसका एडजस्टमेंट या एंट्री कैसे होगा। ये तीनों फेज अलग अलग है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज गुडविल। गुडविल इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। क्लियर? गुडविल इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अगर हम बात करें गुडविल का हिंदी होता है ख्याति। अगर हम बात करें इसको दूसरे नाम में, इसका नाम, या हम बात कर सकते हैं इसको ऐसा भी कह सकते हैं नेम एंड फेम। क्लियर है? तो गुडविल होता क्या है, इट इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। सर ये रेपुटेशन क्या है, एक एग्जांपल करके देखते हैं हम। रेपुटेशन किसको बोलोगे आप, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कोई भी बिजनेस है, जैसे आप एक स्वीट शॉप का ही एग्जांपल ले लो, कोई एक स्वीट शॉप है और वो काफी फेमस है, यहाँ पे मिठाई मिलती है, स्वीट शॉप है, और आप कोई भी पर्सन वहां पे जाता है कहता है अच्छा यहाँ की मिठाइयाँ तो बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल मान लेते हैं आपका छोटा सा शहर है हमारा, और वहां पे एक स्वीट शॉप है जिसका नाम है गिलार्ड। अब जैसे ही नाम आपने सुना तो दिमाग में क्या आता है कि अच्छा इसका मिठाई अच्छा होगा। क्लियर है? अब इसका रेलेवेंस क्या है, देखिए आज के जमाने में कोई भी बिजनेस में आप एक बार आएंगे फेस पेज लेके, कोई भी बिजनेस में अगर आपका एसेट्स जो है, अगर एसेट्स की बात करें हम, एसेट्स कहाँ कहाँ हो सकता है, एसेट्स आपके पास हो सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये एसेट्स नो डाउट इसका भी जरूरत है, बिना इसके आपका ऑपरेशन नहीं होगा बिजनेस का। लेकिन आज के जमाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गुडविल। सर मेरा दुकान तो खुल गया, दुकान पे बैठ भी गए, अच्छा सा शोरूम भी बना लिया, बट हमारा नाम ही नहीं है तो ग्राहक नहीं है। क्लियर? तो इस नाम को बनाने में टाइम लगता है, पेज आपको लगता है, इसके लिए आपको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो जाके धीरे 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 आपका नाम बनता है। अब रहा बात कि लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, ये 2 ऐसे एसेट्स हैं, एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ टेंजिबल एसेट्स, जो आपको दिखता है, आप उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है? लेकिन एक गुडविल जो है, ये गुडविल तो दिखता नहीं है, बस इसको आप फील कर सकते हो, मतलब ये इनटेंजिबल एसेट्स है। क्लियर? अगर इतना बात हमको समझ में आता है तो एक बार समअप करते हैं गुडविल क्या होता है।
गुडविल इज नथिंग एल्स, इट इज जस्ट अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। क्लियर है? व्यवसाय का नाम ही गुडविल है, और यकीन मानिए अगर गुडविल नहीं रहेगा तो आपका व्यवसाय चलेगा नहीं। एक और एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आप एज ए स्टूडेंट आते हो पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए आप अपने दोस्तों से पूछते हो कि किसके पास पढ़ा जाए, तो उनके हिसाब से कोई नाम आपको सजेस्ट किया जाता है। ये नाम जो सजेस्ट किया जाता है ना, यही गुडविल है उन टीचर का, जिन्होंने काफ़ी वर्षों में मेहनत करके अपने आप को उस काबिल बनाया हुआ है। क्लियर है? अगर इतना बात हमको क्लियर है तब जाके इसके आगे का प्रोसीजर पार्ट हम देखते हैं। एक बार वंस अगेन फिर से हम समअप करते हैं। गुडविल इज नथिंग एल्स, इट जस्ट अ नेम एंड फेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, हम इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं, उसमें क्या क्या काम करना है वो सब हम एक बार देखते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए हम सबसे पहले देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, और थोड़ा सा जो टॉपिक दिया हुआ उसको एक बार रीड आउट करते हैं। कह रहे सम पार्टनर, आप पार्टनर की जगह पार्टनर्स कह सकते हैं, सम पार्टनर्स विल गेन इन फ्यूचर प्रॉफिट। क्या कह रहा है? कुछ पार्टनर जो है भविष्य के लाभ में क्या करेंगे, फायदा होगा उनको, जबकि अदर्स का लॉस भी हो सकता है। द पार्टनर हु गेन्स बाय एक्वायरिंग द राइट टू शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट मस्ट कंपनसेट। क्लियर? मस्ट कंपनसेट टू द पार्टनर और पार्टनर्स हु हैव और हैव मेड द सैक्रिफाइस। चलिए लैंग्वेज पढ़ा, नहीं समझ में आया एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट मिस्टर ए और बी पार्टनर है, ए एंड बी पार्टनर है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, मान लेते हैं 1:1, यानी कि क्लियर है। अब ये जो पार्टनरशिप फॉर्म था, लेट सपोज दैट ये 1/4/2010 से चल रहा है, 2010 से मैंने लंबा पीरियड लिया है ताकि आपको थोड़ा गुडविल का भी वैल्यू या कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब लेट सपोज दैट आपको आज का डेट जो है वो है, मान लेते हैं 1/4/2020। अब इस डेट पे इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, ये डिसाइड करते हैं कि सर आज के बाद से, मतलब आज के बाद से हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा 2/3 ए का एंड 1/3 बी का। क्लियर? ए और बी। अब देखिए पहले ये लोग कितने कितने थे, हाफ हाफ, अभी इनका कितना हो गया, 2/3 एंड 1/3। अब सबसे पहले हमको पहला कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको गेन एंड सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे व्यू हो रहा है, ऑल दो फिर भी आप ये देखिए कि अगर ए का हिस्सा और बी का हिस्सा कितना है, पहले था 1/2 एंड 1/2 हाफ हाफ, अभी कितना है इनका 2/3 एंड इसका है 1/3। आप एक बार गेन सेक्रीफाइस देखिए, ए गेन कर रहा है कितना कर रहा है, तो निकाल के देख लेते हैं हम, 2/3 - 1/2 क्लियर, 6/4 - 1/6 ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, एंड सो ऑन, तो निकालते नहीं हम, 1/6 लॉस भी कर रहा होगा क्योंकि दो ही पार्टनर है। क्लियर है? अब इस केस में आप देखिए ए एंड बी जो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शेयर कर रहे थे, आगे 2:1 में शेयरिंग करेंगे। अब रहा बात हम गुडविल के रेस्पेक्ट में बात करें, तो सर यहाँ के आगे का जो प्रॉफिट है, एक बार आप देखते हैं यहाँ से आगे जो प्रॉफिट होगा, क्या आप ये सोच के देखिए यहाँ से आगे का जो प्रॉफिट होगा क्या वो इसके बेस पे डिपेंड नहीं होगा? क्या इन्होंने जो 10 इयर्स में वर्क किया है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिया है, एंड जो बिजनेस को सर्विसेज जो प्रोवाइड किया है, जो रेपुटेशन बनाया है, जो गुडविल जनरेट किया है, क्या उसका फायदा इन आगे के सालों में नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। तो अगर मिलेगा तो आगे जो प्रॉफिट होगा, अब तो बी को नुकसान होगा, क्योंकि सपोज दैट अगर 1 लाख का ही अगर प्रॉफिट हो रहा है आगे, 1 लाख में पहले 50,000 में बट रहा था, अब तो बटेगा 2:1 में, तो ये जो नुकसान होगा आगे किसको,
बी को, तो बी को जो नुकसान होगा उसके लिए इस डेट पे, पार्टिकुलर डेट पे क्या किया जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। गुडविल को क्या किया जाएगा, वैल्यू किया जाएगा। वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं, उसको हम देखेंगे आगे। अभी फिलहाल मान लेते हैं वो वैल्यू निकल के आया आपके पास, लेट सपोज दैट 1 लाख। इस वैल्यू जो निकल के आएगा उसका कुछ हिस्सा वो क्या, कौन देगा, ए देगा बी को कंपनसेशन के रूप में। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से रीड कीजिए, द पार्टनर हु गेन बाय एक्वायरिंग द राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। यहाँ पे ए गेन कर रहा है इसमें प्रॉफिट शेयर में, राइट को, मस्ट कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति करेगा किसको, बी को। तो अपने एग्जाम्पल में ए जो गेनिंग पार्टनर है और यहाँ पे बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो फ्यूचर में प्रॉफिट किसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, बी को। ऑब्वियस सी बात है ए जो है सम अमाउंट बी को पे करेगा थ्रू कैश और थ्रू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर है, इतना बात अगर समझ में आता है हम अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड करने का कोशिश करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए इस फिगर को एक बार देखते हैं और कहता है कि गुडविल, गुडविल में दो झूले लगे हुए हैं। पहला है एक तो कह रहा है व्हेन गुडविल इज परचेज, मतलब आपने गुडविल किसी से खरीदा है, क्या गुडविल परचेज किया जा सकता है, ऑब्वियसली किया जा सकता है। मान लेते हैं कोई शॉप है और काफी नेम फेम है उसका, ये शॉप है और उसका फेमस है काफी, अगर कोई पर्सन चाहता है इसको हम बने बनाए शॉप को खरीद ले। अब मान लेते हैं ये शॉप पिछले 20 सालों से चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है, इसका नाम भी बना होगा। कोई पर्सन आता है मिस्टर ए और कहता है कि बताओ भाई तो अपना शॉप कितना बेचोगे। क्लियर है, तो उस शॉप का वैल्यूएशन जो होता है, मान लेते हैं उसमें जितने भी एसेट्स थे, लाइबिलिटी थी, वो टेंजिबल जो था वो 10 लाख का था। बट ये शॉप का ओनर मान लेते हैं मिस्टर बी है, ये कहता है कि मैंने 20 साल जो काम किया है उसमें मैंने बहुत नाम कमाया है और ये मैं आपको शॉप दे दूँ, अपना ब्रांड नेम दे दूँ। जैसे एग्जांपल अपने तौर पे गिलार्ड ही है, गिलार्ड के ओनर क्या बोलते हैं कि आपको मैं अपना बोर्ड का नाम दे दूँ, बट मैंने काफ़ी नाम कमाया है सर, उसका तो कुछ पैसा चाहिए ना हमको। मान लेते हैं आप मुझे 15 लाख दे दो, तो बिजनेस का डीलिंग कितना में हो गया, 25 लाख में। क्लियर, तो ये बात इसलिए है कि अब इस केस में हमारा गुडविल क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, मतलब हमने किसी और पर्सन को हमने पेमेंट किया है। इस केस में कह रहा है रिकॉर्ड इन बुक्स, बुक्स में आप रिकॉर्ड करोगे, इसका मतलब सिंपल सा जर्नल एंट्री करोगे, आप क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश या बैंक, कितना अमाउंट, जितना अमाउंट आपका डिसाइड होता है, मान लेते हैं अपने एग्जांपल में 15 लाख है। क्लियर है, अब रहा बात, ये कह रहा है कि अगर सिचुएशन ऐसा हुआ, चेंज इन पीएसआर, तो अभी आप चैप्टर कर रहे हो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ जो आगे आप करने वाले हो, ये बोल रहा है कैन नॉट बी रेज, मतलब इसका गुडविल का वैल्यू जो है बुक्स में लिखा ही नहीं जाएगा, क्या होगा, एडजस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो आपका चार्ट है, ये चार्ट जो है ये गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया है ICAI, ICAI का नाम तो सुना ही होगा आपने, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो अपर बॉडी है अकाउंटिंग क्षेत्र में इंडिया में, उन्होंने एक गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी जानते हैं तो सिंपल सा इसका मीनिंग ले लीजिए कि एक रूल है जो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए आपको किया जाता है। क्लियर, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, डिटेल्स में आप पढ़ने के लिए आप अलग से रेफर कर सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ रूल है, एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। जैसे आप रोड पे चलते हो, रोड पे चलने के लिए कुछ नियम है, कैसे चलते हैं सर, लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो ये नियम जो है किसने बनाया है, मान लेते हैं ये नियम जो है मोटर व्हीकल एक्ट में बना होगा,
मोटर व्हीकल है, मतलब जो गाड़ी चलाने का जो लॉ है उसमें बना होगा और उसमें ये लिखा होगा कि रोड के लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए। वैसे ही अकाउंटिंग एंट्री को करने के लिए ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं, जो कि क्या कहता है, रूल्स प्रिस्क्राइब किया गया है कैसे कैसे काम करना है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल जो है, जो आपका जनरेट किया हुआ गुडविल है, जो नाम से आपने कमाया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो रहा है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ हो रहा है, उस केस में केवल वैल्यूएशंस हो जाएगा, उसको बुक्स में लेके हमको नहीं आना है और कैपिटल के थ्रू केवल हमको एडजस्ट कर लेना है। क्लियर है सर, इतनी बातें समझ में आती है, आगे हम बढ़ते हैं। आइए आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक बार जर्नल एंट्री क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। PSR के केस में गुडविल के रेस्पेक्ट में कहता है, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ गुडविल शुड बी डिटरमिन्ड। क्या करना पड़ेगा आपको, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। लेट सपोज दैट, मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किया था, वैल्यूएशन के बहुत सारे आपके पास मेथड है। जैसे मैं आपको एक बार रेफरेंस दे देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एक्सेट्रा, ठीक है। इस वैल्यूएशन को लगा के आप उसका अमाउंट निकालोगे, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री तो तभी पॉसिबल है जब अमाउंट हो, बिना अमाउंट का तो हम एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। तो यही कह रहा है, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या काम करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, एंड आफ्टर दैट इट मे बी ट्रीटेड एज फॉलो। तो दो एंट्री बस पोस्ट करना है हमको। सबसे पहले बात बोल रहा है, कोई पुराना गुडविल है, पहले से ही कोई बुक्स में गुडविल है, इस वैल्यूएशन को करने से पहले उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, इसमें ऑल पार्टनर में। ऑल का मतलब जितने भी पार्टनर हैं अवेलेबल फॉर्म में, ABCD जो भी है, मान लेते हैं दो पार्टनर है ए और बी, तो उन सबके कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और जो गुडविल जो बैलेंस शीट्स में पड़ा हुआ है ओल्ड, उसको क्रेडिट करके खत्म कर देना होगा। लेट्स सपोज दैट, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ओल्ड गुडविल है 1 लाख का और ए और बी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते हैं। इस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए के कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 50,000 से, एंड बी के कैपिटल को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा 50,000 से, और गुडविल को आप क्रेडिट कर दोगे कितने से, 1 लाख से। इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कौन से रेशियो में लेके चलना है हमको, ओल्ड रेशियो में। ध्यान से फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये पुराना गुडविल है, ओल्ड गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में पड़ा हुआ है, और कहता भी है एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग का मतलब पुराना गुडविल या ओल्ड गुडविल विल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है, चलिए अब सेकंड बोल रहा है, ये बोला है गिव क्रेडिट फॉर प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का हिंदी अगर देखेंगे आप, प्रोपोर्शनेट का प्योर हिंदी होता है अनुपाती, मतलब प्रोपोर्शनेट। गिव क्रेडिट फॉर प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है, तो किसको हम क्रेडिट करेंगे, किसको हम क्रेडिट देंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है फ्यूचर प्रॉफिट को। तो यहाँ पे क्या होगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कौन हो सकता है, जो अपना शेयर्स को गेन कर रहा है। क्लियर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये गेनिंग रेशियो में और इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कहता भी है बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, इसका मतलब ये है, सपोज दैट मान लेते हैं आपने गुडविल का वैल्यूएशन किया, और लेट सपोज दैट गुडविल का वैल्यूएशन आपने 60,000 किया, जो भी मेथड्स आपने पास लगा के वैल्यू ऑफ गुडविल कितना आया, 60,000। अब ये कहता है, मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल में हमारा गेन ए कर रहा था कितना, एज गेन था 16, एंड बी का गेन लॉस था 16। तो ये कह रहा है कि 60,000 का गेनिंग रेशियो में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, 60,000 इंटू 1/6 कितना होगा, 10,000। क्लियर है, तो गेनिंग ए का कैपिटल को डेबिट कर देंगे कितना से, 10,000 से, और बी के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। इसका वैल्यू जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने ना तो गुडविल अकाउंट को डेबिट किया है
और ना ही हमने क्रिएट किया है। सर ये नहीं होगा क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियर कट बोल रहा है कि आपको जो भी गुडविल का वैल्यूएशंस होगा उसका जो भी एडजस्टमेंट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। एक को डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, जो शेयर्स को गेन कर रहा है, और दूसरे को क्रेडिट करेंगे, किसको करेंगे, जो शेयर्स को सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है? अगर नहीं अभी भी समझ में आ रहा है तो एक दो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक क्लासिक एग्जाम्पल है, उसके बेस पे आई थिंक आपको और क्लियरिटी हो जाए। इसको एक बार पहले रीड कर लीजिएगा फिर हम एग्जाम्पल उसको लेते हैं। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द गुड। आइए एग्जाम्पल रीड करते हैं। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड who are presently share profit loss in the ratio of 5:3:2। तो इनका existing profit sharing ratio कितना है, 5:3:2। यानी कि हम अगर एक बार working कर लेते हैं x, y and z कितना है 5:3:2, यानी कि 5:3:8:10, 5/10, 3/10 and 2/10। decided to share future profit loss equally। यानी कि अब आगे जाके क्या करेंगे, ये है इनका ओल्ड, अब न्यू इनका कितना है, न्यू कह रहे हैं इक्वल करेंगे, यानी कि 1/3, 1/3 एंड 1/3। क्लियर है? तो ये इनका सिचुएशंस है विद इफेक्ट फ्रॉम जो भी डेट है। द गुडविल ऑफ द फॉर्म हैज बीन वैल्यूड एज 1,80,000। सर ये देखिए अभी इस क्वेश्चन में वैल्यूएशंस नहीं करवा रहे आपसे, आपको पका पकाया भोजन दे दिया कि गुडविल का जो वैल्यू है वो कितना है 1,80,000। कहता है सो द नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। क्लियर है? तो आपको अल्टरनेटिव केसेस में आपको करना है। पहला केस है, कहता है व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, मतलब पहले से कोई गुडविल नहीं है। तो इन काम को करने से पहले सबसे पहले आपको गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। आप एक बार निकाल के देखिएगा, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस पर क्योंकि ऑलरेडी आपको करा चुके हैं इस पर। तो यहाँ पे ये निकालिएगा तो एक्स का जो है वो 5/30 सेक्रीफाइस आएगा। क्लियर है? वाई का 1/30 गेन करेगा एंड जेड भी आपका 4/30 गेन करेगा। देख लीजिए 4 × 5, 5/30, तो 5/30 आपका कोई सेक्रीफाइस कर रहा है और ये दोनों लोग गेन कर रहे हैं। तो ये गेन और सेक्रीफाइस हो गया। अब पहला केस जो है वो कह रहा है कि आपका पहले से कोई गुडविल नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल कुछ भी नहीं है। तो जब गुडविल है ही नहीं पहले से तो उसको हम राइट ऑफ तो करेंगे नहीं। तो हमारे पास जो ये जो वैल्यूएशन निकल के आया है 1,80,000, उसको हम कैसे एंट्री करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, आप गुडविल को नहीं राइट लिखोगे, आप केवल एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट करो। क्लियर है? तो सबसे पहला बात है हम किस पार्टनर को डेबिट करेंगे, जो पार्टनर गेन कर रहा है शेयर्स में प्रॉफिट। तो केस नंबर ए का अगर आंसर देखें हम, क्या लिखना पड़ेगा हमको, कौन कौन गेन कर रहा है। तो हमारे केस में गेन कर रहे हैं वाई एंड जेड, कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? और किसको क्रेडिट करेंगे आप, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स। तो हमारे केस में कौन है, एक्स कैपिटल। अब ध्यान से देखिएगा वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है हमारे पास, वैल्यू है आपके पास 1,80,000। ठीक है? 1,80,000 जो वैल्यू है उसको बांटना है किसमें, वाई और जेड में, ताकि वो एक्स को कंपनसेट कर पाए। चलिए तो वाई का कितना गेन हो रहा है एक बार देख लीजिए, 130। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 1,80,000 को अगर वाई की बात करें हम, 1,80,000 इंटू इसका क्या रेशियो है, गेन रेशियो वाई का 130, 1/30, जेड का 180 इंटू 4/30,
30, इसको आप कैलकुलेट कर लिए होंगे अभी तक, ये आई थिंक आपको 6000 आएगा, ये आपका आएगा 24000 और एक्स का 180000 इंटू 5/30, ये आ जाएगा 30000। क्लियर है? तो आप क्या जर्नल एंट्री में अमाउंट पुट अप करोगे, वाई को कितना से डेबिट करोगे, 6000 से, इसको 24000 से, और 24 और 6 30000। क्लियर है? ना बात हमारा केस नंबर ए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, कहता है केस नंबर बी में, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स 1,80,000। ध्यान से देखिएगा, 1,80,000 अभी वैल्यूएशन हुआ है और 1,80,000 पहले से भी है, 1,80,000 अभी वैल्यूएशन हुआ है और 1,80,000 पहले से भी है। तो इस केस में ये क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें तो ये वाला एंट्री सेम टू सेम केस बी में हो जाएगा सेकंड के लिए। अब रहा बात इसके बारे में, एक बार देख लेते हैं हम, ये क्या कह रहा है, पहले से गुडविल कितना है 1,80,000, तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल को कैसे राइट ऑफ करना है हमने आपको कराया हुआ है, वो एग्जिस्टिंग गुडविल को एग्जिस्टिंग रेशियो या ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में इसको बांटोगे आप ए एक्स वाई एंड जेड को, तो कितना से डेबिट हो जाएगा ये एक्स वाई एंड जेड, कितना 1,80,000 को करोगे आप 180 × 5/10, 5/10 कितना निकल के आएगा ये 90,000, फिर 3/10 कितना निकल के आएगा 54,000 एंड 2/10 ये कितना निकल के आएगा 36,000, 1,00,000। ये ओल्ड गुडविल बट गया, क्लियर है सर? और दूसरा एक एंट्री ये कर दोगे आप जो कि एडजस्टमेंट है, वो सेम टू सेम होगा इसलिए हम उसको दोबारा नहीं लिख रहे, ठीक है? चलिए अब कहता है केस नंबर सी एक बार देख लीजिए, वो कह रहा है कि आपके पास व्हेन गुडविल ऑलरेडी इन द बुक्स एट ₹30,000, पहले से गुडविल आपके पास कितना है 30,000 पहले से ही है गुडविल, क्लियर बात है? इस केस में भी दो एंट्री होगा, एक तो पुराने वाले को राइट ऑफ करोगे, तो राइट ऑफ कैसे करोगे एक्स वाई एंड जेड में, कितना 30,000 को बांटोगे आप ओल्ड रेशियो में, जाहिर सी बात है 5/10, 30,000 को आप बांटोगे 3/10 एंड फिर से 30,000 को आप बांटोगे 2/10, कितना हो जाएगा देखिए एक बार 15,000, ये हो जाएगा 9,000 एंड ये हो जाएगा, क्लियर है? बाकी ये वाला एंट्री इस केस में भी हो जाएगा एग्जिस्टिंग वैल्यूएशंस वाले का, क्लियर है? आइए टेम्पल नंबर डी करते हैं। ये कह रहा है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट ₹210, क्या कह रहा है, गुडविल का जो वैल्यूएशन है पहले से कितना है आपके बुक्स में 210,000 है, तो 210,000 को बांट दीजिए एक्स वाई एंड जेड में 210 इंटू हाउ मच 5/10 210 इंटू 3/10 एंड 210 इंटू 2/10, क्लियर है? आइए देख लेते हैं एक बार कितना कितना आ रहा है, ये आएगा 1,05,000 एंड ये आ जाएगा आपका 63,000 एंड ये आ जाएगा आपका 42,000 आपके, और दूसरा एंट्री ये वाला एंट्री आप फिर इसको पुट कर दोगे सेम टू सेम 6,000, 44,000 एंड 30,000। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपको सिचुएशन दे रहा है कि करंट जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो 180 है एंड चार केसेस दे रखे हैं आपको, उसको एक बार कर लेना था, क्लियर है सर? आइए इसका एक बार हिंदी में भी मैंने डाल दिया हुआ है क्वेश्चंस, एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा जिन लोगों को अंग्रेजी समझने में दिक्कत हो रहा है। अब ये बड़ा खतरनाक वर्ड यूज कर रहा है,
ठीक है, ये है गुडविल है सर, ठीक है, क्लियर है। एक बार इसको रीड कर लीजिए। आई थिंक थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट एंट्री आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और हम आपको करवा देते हैं, फिर हम वैल्यूएशंस की तरफ हम प्रोसीड्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक एग्जांपल आइए एक बार और कर लेते हैं। आइए एग्जांपल को एक बार रीड करते हैं। कहता है पी क्यू एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पी क्यू आर का, पी है, क्यू है और आर है, इक्वल है, मीन्स वन थर्ड एंड वन थर्ड, क्लियर है। कहता है दे डिसाइडेड दैट फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा उसमें से पूरे में से 1/5 किसको मिल जाएगा, आर को मिल जाएगा। और उस स्टेट को गुडविल का वैल्यू कितना था, 30,000, तो गुडविल का वैल्यूएशन आपके पास 30,000 है। तो आप देखिए एक बार, तो आर को कितना मिल जाएगा, 1/5। अब इस क्वेश्चंस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, ये आपका दिया था ओल्ड, और न्यू के बारे में बस इतना ही कहा है कि आर को फ्यूचर में 1/5 मिलेगा। तो अगर आर को आपने 1/5 दे दिया तो बैलेंस कितना बच गया, तो बैलेंस कैलकुलेट करके देते हैं, देखते हैं। अगर पूरा प्रॉफिट 1 है उसमें से 1/5 किसको दे दिया आपने, आर को, तो बैलेंस कितना बच गया, 4/5। क्वेश्चंस में नहीं कुछ बोल रहा है तो आप क्या मान के चलोगे, ये 4/5 जो बच गया वो पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांट लेंगे, तो इनका भी रेशियो हाफ ऑफ हो सकता है यहाँ पे। तो आइए इसको हम बोलते हैं, लिखते हैं ऐसे 4/5 इंटू 1/2 एंड 4/5 इंटू 1/2, कितना निकल के आ जाएगा, 4/10 एंड 4/10। तो न्यू रेशियो आपके पास आ गया 4/10, 4/10 देन 1/5। अब इसको क्या करें, हम इसको इक्वलाइज कर सकते हैं, तो लोअर वैल्यू में कर देते हैं ताकि ये हो जाए आराम से। इसको कट करते हैं 2/5, 2/5, तो आपके पास रेशियो आ गया 2:2:1, या दैट इज से कह सकते हो आप 2/5, 2/5 एंड 1/5, क्लियर है। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ गया और हमारे पास ओल्ड भी आ चुका है। आइए एक बार देखते हैं आगे की तरफ। अब देखिए हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, न्यू की हम बात करें, आपने अभी जस्ट निकाला, न्यू जो रेशियो है वो है 2/5, 2/5 एंड 1/5। ओल्ड कितना है, ओल्ड है अपने पास 1/3, 1/3 एंड 1/3। गेन सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, 2/5 - 1/3, ये कितना आ जाएगा, 15, 10, 3, 6 होगा यहाँ पे, 15, 5, यानी कि 1/15 प्लस में आया, न्यू से ओल्ड घटाया आपने, तो ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये। तो यहाँ पे आपके पास P जो है वो गेनिंग पार्टनर है, क्लियर है, Q एंड R, तो सेम टू सेम कैलकुलेशन इसका भी है, तो इसका भी 1/15 हम गेन मान के चलते हैं, बिकॉज आप फिर से कैलकुलेट करोगे 2/5, 1/3 वही आएगा। इसका एक बार देख लेते हैं, 1/5 - 1/3 कितना होता है, 15, 3 - 5, 2/15, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, क्लियर। तो हमारे पास गेन और सेक्रीफाइस निकल के आ गया, हम क्या करें अब इसको आगे, हम अपना जर्नल एंट्री पोस्ट कर सकते हैं आराम से। आइए एक बार जर्नल एंट्री करके दिखा देते हैं आपको क्या जर्नल एंट्री होगा। तो सर हमारे पास ये होगा, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर कौन है एक बार देख लीजिए, गेन कर रहा है प्यू, पी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना से, हमारे पास गुडविल का वैल्यूएशन था क्वेश्चन में 30,000, तो 30,000 इंटू इसका गेन रेशियो क्या था,
इन रेशियो आपने ऊपर निकाला 1/15 ना हो जाएगा 1000। इसका भी सेम देख लेते हैं, 30,000 × 1/15,000। देन कौन सा पार्टनर है, आर कैपिटल। आर कैपिटल कितना सेक्रीफाइस किया है, तो 30,000 × 2/15 हो जाएगा सर 4,000। आई थिंक ये एंट्री आपको अब समझ में आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। इसका गुडविल का है सर, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटल अकाउंट। आप वैल्यूएशंस करोगे और गेन सेक्रीफाइस निकालोगे और उसको आप एंट्री पोस्ट। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो हम अगले लेक्चर में हम गुडविल के वैल्यूएशंस के मेथड्स को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और वैल्यूएशन करने के बाद सेम टू सेम यही एंट्री करना है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आगे के लेक्चर्स में मैं अच्छे से अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का कोशिश कर सकूं। चलिए, हैप्पी जर्नी, गुड डे, बाय बाय।